जय हिंद साथियों, क्विक आईक्यू स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रेलवे के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर आप सभी रेलवे में जीके जीएस का अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये सभी क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी और भी रेलवे से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और कॉपी पेन के साथ नोट्स भी बनाते चलें। वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो साथियों चलिए, क्वेश्चन है गुप्त वंश के संस्थापक कौन था। देखिए साथियों, यहाँ क्वेश्चन जो है सो कौन यहाँ पर होगा, टाइपिंग मिस्टेक है तो यहाँ कौन लिखा गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त होगा। कौन होगा आंसर? श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या होगा, तो टका होगा। जैसे भारत की मुद्रा का नाम रुपया है, पाकिस्तान की मुद्रा का नाम रुपया है, उसी तरह बांग्लादेश के मुद्रा का नाम टका है। देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन करवा रहे हैं आपका पिछले साल क्वेश्चन आया गया है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर हम ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आता है। और ये जो है रेलवे का जो क्वेश्चन चल रहा है रेलवे का जो, तो ये पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसलिए ये पार्ट टू है और कल आपका पार्ट थर्ड होगा, तो वीडियो को देखना ना भूलें और चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके दोस्तों को इस चैनल पे इनवाइट करें। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट कि पारा किसका एक्स है, तो पारा किसका एक्स है, इसका आंसर क्या होगा? सिनेवार होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो देखिए साथियों, करो या मरो का नारा जो है सो हमारे महात्मा गांधी दिए थे, जिन्हें हम बापू भी कहते हैं। तो करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी। देखिए साथियों, यहाँ एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो ये जो ऐसा जो टाइप में आता है आपका 2 से 3 क्वेश्चन, ये भी रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है, इसलिए इस पर भी फोकस ज़्यादा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, इसका आंसर क्या होगा? तो 1912 में, 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। इसके पहले आपका जो है सो मुंबई थी। कौन थी साथियों? मुंबई। नेक्स्ट है मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण क्या है कि जंगलों का कटना। देखिए, जब जंगल कट रहे हैं इसलिए आपका वातावरण भी थोड़ा प्रदूषित हो रहे हैं, नहीं समय पे बारिश होती है, अगर गर्मी पड़ती है तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, यानी कि मौसम आपका बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है जंगलों का कटने से। और मिट्टी के कटने का मुख्य कारण भी वही है, यानी कि जंगल जब कट रहे हैं धीरे धीरे तो बारिश कम हो रही है, इसलिए वातावरण भी अशुद्ध होते जा रहा है। इसलिए आप सभी से भी एक विनती है कि आप लोग पेड़ को लगाएं और ये जो वातावरण है इसको स्वच्छ रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कांच में से गुजरने पर प्रकाश के कौन सा रंग की गति धीमी होती है, तो इसका आंसर होगा बैंगनी रंग। देखिए, बैंगनी रंग ही एक ऐसा कलर है जो आपका कांच में से जब गुजरता है प्रकाश तो उसका जो गति है सो धीमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा क्या होगा? एन होगा, इसका आंसर एन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो चीन है। कौन है साथियों? चीन। चीन जो देश है सो अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, वैसे देखिए भारत में भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि बहुत बड़े उत्पाद में सेल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा पोमोलॉजी। देखिए, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अगर आपसे पूछ दिया है कि मिट्टी का अध्ययन क्या होता है, तो मेडोलॉजी हो गया। क्या हो गया? मेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन वही होता है। देखिए साथियों, जो अध्ययन का है एक वीडियो हम आपको फुल्ली पूरा जो है आपका फल का, मिट्टी का, फूल का, सारा का अध्ययन का एक सेट लेकर आएंगे, वो वीडियो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे, यानी कि अध्ययन का जो क्वेश्चन है हम एक वीडियो में उसको लेकर आएंगे। चलिए नेक्स्ट है
दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो एक था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो थे महात्मा गांधी, और जो दिल्ली चलो का नारा दिए थे ये सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे साथियों? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहू एक त्यौहार है जो आपका असम में होता है। क्या होता है? असम में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पे स्थित है। कहाँ है? सतलज नदी पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार की ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, तो किस ईस्वी में प्रारंभ किया था सर? तो 1961 ईस्वी में था। कौन था? 1961 ईस्वी में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो खिलाड़ी को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो खिलाड़ी को दिया जाता है, और खिलाड़ी के कोच को आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार कहलाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है सो खिलाड़ी के कोच को दिया जाता है, और खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। वही आपसे पूछ दिया जाए कि किस ईस्वी में से प्रारंभ हुआ था, तो 1961 ईस्वी से यह प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15th है कि ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में है। ध्यानचंद स्टेडियम जो है आपका लखनऊ में है। अगर लखनऊ पूछा जाए कहाँ पड़ता है, तो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य में ही लखनऊ पड़ता है। नेक्स्ट चलिए है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का था। कहाँ का साथियों? मैसूर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो क्या होगा साथियों? नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होगा। नॉर्थ, फिर से सुनिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगर पूछा जाए कि इसका जो आविष्कार कब हुआ था, यानी कि इसकी जो स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी, और इसका जो है ब्रुसेल्स में इसका उत्तर होगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स में। अगर पूछ लिया जाए कि ब्रुसेल्स किस मतलब कहाँ पड़ता है, तो बेल्जियम में पड़ता है। कहाँ होगा? बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो तैराकी से होगा। कहाँ से होगा? तैराकी से। बटरफ्लाई जो शब्द है वो तो तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होगा। कौन होगा साथियों? 746 वाट के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप स्टार में करके रखिएगा कि आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। कौन करवाया था साथियों? शाहजहां ने। देखिए आपका यहाँ बीच क्वेश्चन करा दिया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोगों भी इसे सीखें, और इसको आप नोट्स बना लें, ताकि आपको कभी भूले नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सो प्रीवियस ईयर से लिया गया है, और रिपीट होने का ज़्यादा चांस रहता है। तो ठीक है साथियों, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसका डाउट क्लियर करेंगे। और साथियों क्वेश्चन आपका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और कमेंट करके आप बताएं कि अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले जब वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो ठीक है साथियों, फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, क्यूक IQ स्टडी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि और भी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए आते रहे। जय हिंद, जय भारत।